कोरोना से जारी जंग में हर कोई सहयोग कर रहा है। पाकुड़ में पत्थर एवं कोयला व्यवसाय से जुड़े लोगों द्वारा सीएसआर के तहत जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी को कोविड से जंग के वास्ते 90 लाख रुपए की सहायता राशि सौंपी गई। इसमें जिले में कोयला उत्खनन करने वाली पश्चिम बंगाल की पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से लगभग 70 लाख रुपए और क्वारी ऑनर्स एसोसिएशन की ओर से 10 लाख रुपए तथा पत्थर ऑनर्स एसोसिएशन की ओर से 10 लाख रुपए शामिल हैं। जो लोकल व्यवसायी हैं यहाँ के स्टोन क्वेरी एसोसिएशन के द्वारा आज 10 लाख रुपए की सहायता राशि एज ए सीएसआर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोवाइड की गई है, जिसकी हम लोग बहुत सराहना करते हैं। निश्चित तौर पे ये राशि हम लोग को कोविड संबंधी जो संसाधनों के क्रय और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने में मददगार साबित होगी। उपायुक्त ने बताया कि जनप्रतिनिधियों और कंपनियों से भी कोरोना संग्राम के लिए लगातार मदद मिल रही है, जिसका इस्तेमाल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में होगा। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा सभी लोगों की, पाकुड़ में सेकेंड वेव ऑफ कोविड में अभी तक जो सीएसआर मद में टोटल जो कंट्रीब्यूशन हम लोग को प्राप्त हुआ है, उसमें माननीय मंत्री से विधायक पाकुड़ विधानसभा श्री आलमगीर आलम जी की विशेष पहल पर पत्थर व्यवसायी लुत्फुल हक जी के द्वारा 50 डी टाइप सिलेंडर्स हम लोग को दिया गया है। भूतपूर्व विधायक श्री अकील अख्तर जी के द्वारा 4 हाई फ्लो निजल कैनूला हम लोग को प्राप्त हुआ है। साथ के साथ अडानी पावर लिमिटेड गोड्डा झारखंड के द्वारा रिंची हॉस्पिटल में 50 बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सीएसआर मद में अप्रूवल किया गया है, जिसमें रफली 20 लाख के आसपास का खर्चा होगा। पाकुड़ में कोरोना को मात देने के लिए जनप्रतिनिधियों और पत्थर एवं कोयला व्यवसाय से जुड़े लोगों की मदद निश्चित रूप से कोविड को हराने में मददगार साबित होगी।